चिल्ड्रंस, आ लास्ट टॉपिक, इस लाइट टॉपिक का हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बच्चों पावर ऑफ लेंस। आज एंड हो जाएगा, उसके बाद मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें, जिससे हर तरीके के न्यूमेरिकल्स को कराया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से समझो पावर क्या होता है। पावर का मतलब हमेशा आप से पढ़ते हो, एबिलिटी टू वर्क, वर्क करने की एबिलिटी। पावर का मतलब हमेशा समझते हो इट्स एबिलिटी टू डू वर्क, कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं उसको करने की क्या एबिलिटीज है। तो लेंस क्या करता है, कन्वर्स करता है, डाइवर्ट करता है। लेंस का काम क्या है, चीजों को कन्वर्स करना और डाइवर्ट करना। तो अगर मेरे पास कन्वेक्स लेंस है तो इसका काम है कन्वर्स करना, अगर मेरे पास कनकेव लेंस है उसका काम है डाइवर्ट करना। तो स्टूडेंट्स, ये रेज यहां से गई, दो लेंस है मेरे पास, दोनों ही कन्वेक्स हैं, दोनों ने एक पैरेलल रेज पास किया। हमें पता है कि पैरेलल रेज फोकस से पास करता है, इसने कन्वर्ज कर दिया, लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया, इसने भी कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज इसने भी किया है पहले लेंस ने, इसने भी किया कन्वर्ज। लेकिन देखो इसने कितना कन्वर्ज किया है, मतलब रेज ऐसे आया और इतना इतना नीचे की तरफ गिर दिया उसने, और यहां देखिए ये इतना गिरा। मतलब कन्वर्जन का मतलब होता है कितना ऐसे बेंड किया उसको, बेंड, लाइट को बेंड किया। यहां देखिए इतना बेंडिंग हुआ है, यहां ये थोड़ा कम बेंडिंग हुआ है, इसका मतलब यहां कन्वर्ज क्या हुआ, ज्यादा हुआ। मतलब इसका जो कार्य है, इसका जो वर्क है, मतलब जो कन्वर्जिंग पावर है वह ज्यादा है, कन्वर्ज ज्यादा कर रहा है। आप देखिए ना, इस तरह से लाइट आना था उसको इतना कन्वर्ज कर दिया उसने, ऐसे इतना ही कन्वर्ज हुआ। इसको हम बोल सकते थे हम हाई कन्वर्जिंग पावर, दे हैव लो कन्वर्जिंग पावर। अब क्या होता है स्टूडेंट, जिसके पास हाई कन्वर्जिंग पावर है उसका फोकस देखिए इतना, और इसका फोकस देखिए इतना। मतलब ये पावर ज्यादा है इसके पास पर फोकस कम है, इसकी पावर कम है पर फोकस ज्यादा है। मतलब जो पावर है वह फोकस से इनवर्स रिलेशन, जिसका फोकस ज्यादा आ रहा है उसका पावर कम आ रहा है। तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस स्टूडेंट, पावर लेंस का मतलब हो रहा है व्हाट इज एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे। लाइट रे को कितना कन्वर्ज कितना डाइवर्ज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा कन्वेक्स को लेके, कनकेव भी यही करेगा और डाइवर्ज करेगा, जितना ये कन्वर्ज कर रहा है हम देखिए वो कितना डाइवर्ज कर रहा है, कितना दूर भेज रहा है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी तक क्या बताया गया है, पावर लेंस क्या होता है, पावर लेंस का मतलब हुआ क्या उसके पास एबिलिटी है लाइट को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की। ज्यादा कन्वर्ज करेगा छोटा फोकस बनेगा, कम कन्वर्ज करेगा बड़ा फोकस बनेगा। तो फोकल लेंथ और पावर में इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए फॉर्मूला होता है पावर का 1/f। तो फ्रेंड्स 1/f, तो चलो इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा और स्पेस। तो फ्रेंड्स पावर का फॉर्मूला अभी आपके साथ लिखा गया बच्चों, और आज एक न्यूमेरिकल भी इसके साथ मैं आपको डिस्कस कर दूं। पावर होता है बच्चों 1/f, पर ध्यान रखिएगा ये फोकस मीटर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जो यूनिट्स होती हैं हम डायोप्टर जो पढ़ेंगे अभी पावर का। स्टूडेंट्स देखिए, फोकस अगर मान लीजिए आपका एक मीटर है तो पावर जो है वह 1 डायोप्टर होता है। अगर कोई भी आपके पास लेंस है अगर उसका फोकस 1 मीटर है, अगर उसका फोकस 1 मीटर है उसका पावर 1 डायोप्टर होता है। डी मतलब क्या है, डायोप्टर। तो डायोप्टर इज व्हाट, दिस इज द SI यूनिट ऑफ पावर, जैसे आप लोग वॉट पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उनके पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है वॉट। वैसे जितने भी ये मिरर होते हैं, लेंस होते हैं, लेंस का पढ़ते हैं हम लोग, उनके जो पावर के ऐसे यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। और 1 डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में आता है डिफाइन 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर क्या है,
वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग 1 meter. Then I guess it. एक डायोप्टर वो पावर है लेंस का जिसका फोकल लेंथ 1 meter हो स्टूडेंट. पर ध्यान रखिएगा हमेशा ये मीटर में होना चाहिए. एक स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ. क्या है बच्चों, एक मेरे पास कन्वेक्स लेंस है और एक मेरे पास कनकेव लेंस है और इन दोनों का बच्चों मेरे पास फोकस गिवन है. एक का फोकस 25 सेंटीमीटर है और एक का फोकस 10 सेंटीमीटर है. अगर प्रीवियस लेक्चर याद हो स्टूडेंट्स तो कन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव लिया जाता है और कनकेव का नेगेटिव लिया जाता है. मुझसे पूछा जा रहा है कि जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो पावर कितना होगा. जब कंबाइन करेंगे पहले इंडिविजुअल पावर निकाले, इसका पावर निकालिए. पहले का पावर फॉर्मूला क्या है 1/f, पर फोकस किस में होना चाहिए मीटर में, पर एक इसमें सेंटीमीटर पर 100 लिख दीजिए बच्चों, ऊपर 100 लिख दीजिए क्योंकि आप 100 डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा. ठीक है, 25 सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा आपका प्लस 4 डायोप्टर. क्या आ जाएगा? प्लस 4 डायोप्टर. आप कनकेव का निकालिए पावर, सेकेंड पावर ये भी सेंटीमीटर, 100 ऊपर रखिए, अपॉन 10 माइनस 10 डायोप्टर. ध्यान रखिएगा बच्चों कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है और कनकेव का नेगेटिव. अब इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो नेट पावर दोनों को ऐड करके आएगा P1 प्लस P2. तो बच्चों P1 है प्लस 4 डायोप्टर माइनस 10, तो माइनस 6 डायोप्टर आ गया. बच्चों नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा, इन दोनों को मर्ज करूंगा मतलब मैं एक कन्वेक्स लेंस को और एक कनकेव लेंस को आपस जोड़ूंगा तो देखिए माइनस 6 डायोप्टर आया. और जरूरी है हमेशा माइनस 6 है, प्लस 6 भी आ सकता है. तो माइनस 6 डायोप्टर आने का मतलब ये हुआ बच्चों कि यह जो आपका लेंस है वो एक आपका कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि नेगेटिव आ गया. नेगेटिव किसका होता है? कनकेव का. मतलब दोनों मिलाकर एक कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा. स्टूडेंट कुछ और मैं ऐसे एक दो पॉइंट आपको बताता हूँ, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए. बच्चों पावर क्या है? एक लेंस की क्या एबिलिटी है कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की. पावर का फॉर्मूला है 1/f, फोकस आपको मीटर में लेना है, पावर आपका डायोप्टर ऐसा यूनिट होता है. एक डायोप्टर कब होता है? जब फोकस 1 meter होता है. एक डायोप्टर वो पावर होता है जिसका फोकल लेंथ 1 meter होता है बच्चों. 1 diopter 1 meter inverse. ठीक है, और जब भी आप निकालेंगे तो ध्यान रखिए सेंटीमीटर है तो ऊपर 100 लगाइए उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. दो पावर आ गया, दोनों को ऐड कीजिए, आपका नेट पावर आ जाएगा. नेट पावर नेगेटिव मतलब वो डाइवर्जिंग, पॉजिटिव मतलब वो कन्वर्जिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे फिर एंड करते हैं आज. देखो जी एक क्वेश्चन है, ये आपको पावर से रिलेटेड है तो ध्यान से रहेगा स्टूडेंट्स. दो मेरे पास लेंस जिनकी पावर्स मुझे गिवन, एक का है 12.5 डायोप्टर और दूसरे का पावर है बच्चों -2.5 डायोप्टर. मुझे जो भी कॉम्बिनेशन इससे बनेगा उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, उस कॉम्बिनेशन का पावर, उसका फोकस, नेचर, कुछ भी. स्टूडेंट्स देखो पॉजिटिव होने का मतलब एक चीज तो है कि ये आपका कन्वेक्स है. अगर आप पॉजिटिव देखिए इसका मतलब ये कन्वेक्स है. नेगेटिव मतलब ये आपका कनकेव लेंस है. तो जो टोटल पावर होता है बच्चों उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 प्लस P3. जितने लेंस होंगे सबकी पावर को ऐड करते जाओ. बस यहाँ पे दो है ऐड कर दो, प्लस 12.5 माइनस 2.5 डायोप्टर. तो जो नेट पावर आ गया बच्चों प्लस 10 डायोप्टर है कि नहीं. प्लस आने का मतलब क्या हुआ, किसकी तरह बिहेव करेगा? एक कन्वेक्स लेंस की. मतलब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो जो नया लेंस बनेगा वो एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा. पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आता तो कनकेव, और जो कन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग होता है मतलब कन्वर्जिंग की तरह भी बिहेव करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे इसका फोकस ही पूछ सकता है कि जब इन दोनों को आपने कंबाइन किया
नेट पावर इतना है, नेट फोकस क्या होगा? तो फोकस क्या होता है बच्चों? वन अपॉन पावर। तो 1/10 कर दो, पर ये मीटर में आया होगा। किसमें? मीटर में, क्योंकि डायोप्टर होता है तो फोकस किसमें होता है? मीटर में। सेंटर में डालना चाहते हो, 100 से इंटू करोगे तो प्लस 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखा भैया, दो पावर गिवन, नेट पावर पूछा हो, नेट फोकस पूछा हो, नेचर पूछा हो, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं। अगर दो पावर गिवन है तो ये दोनों पावर का ये नेट पावर है, ये नेट फोकस है और ये इसका नेचर। आप चाहो तो इसका अलग से फोकस निकाल सकते हो 1/P1 करके, इसका अलग से फोकस निकाल सकते हो 1/P2 करके। तो स्टूडेंट्स, ये नेट पावर का फॉर्मूला होता है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है, पूछा गया है, आपको दिखाया क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। दो पावर गिवन है, नेट पावर पूछ लेगा, नेट पावर निकाला, पॉजिटिव आया मतलब कन्वेक्स, नेगेटिव आता तो करके कन्वेक्स आ गया, हमने नेट फोकस भी निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स, आपका लाइट चैप्टर एंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से जब हम शुरुआत करेंगे तो पहले आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा।